Good evening, everyone. Thanks a lot for staying with us. You're watching a very special edition of Plain Speak with me, Shivani Gupta. We're joining you from right at Ram Ki Pedi in Ayodhya. And this is on the eve of the Pran Pratishthan that is supposed to take place in the new Ram temple. The new Ram idol has been placed. The existing Chalmurti of Ramlala will also be placed in the Garbhgriha. And tomorrow, both are going to be worshipped together for the very first time. It's been a wait of 500 years. It is difficult to express in words what this moment means for a whole host of people and for an entire country. But over the next half hour, we'll delve into the other question, the more current question. Exactly how will this Pran Pratishthan affect upcoming general elections, if at all? It is being called a political event by the opposition that is boycotting it en masse. Is that going to impact their fortunes, or is the Pran Pratishthan going to impact the fortunes of Modi and company? We'll take that question with our guests in just a bit. But here's a glimpse of how Ayodhya is preparing on the eve of the big ceremony tomorrow. जिसके लिए मन में गंगा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी राम। If so, how? Let's take that forward with our guest joining us with me in our studios here at the Ram Ki Pedi in Ayodhya is Acharya Pramod, Congress leader. Also joining me, Sanjay Kumar, who's a sophologist. We'll take to him a question or two as well. But Acharya Pramod, I want to begin with you. Aapne to aaj pehle hi keh diya hai कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते प्रधानमंत्री तो ये मंदिर नहीं बनता और ये प्राण प्रतिष्ठान नहीं होता, तो ये तो कांग्रेस की लाइन से बिल्कुल अलग आप बोल रहे हैं। देखिए, सच बोलने के लिए किसी लाइन को अडॉप्ट करना जरूरी नहीं है। हमारा शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये सिखाती है और हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सत्य सार्थक सर्वदा, तो जो दिख रहा है मैंने वो बोल दिया। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट भी नहीं आता? ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। शिवानी, देखिए, इस देश में जब देश आजाद हुआ उसके बाद से लेके बहुत सरकारें बनी, अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी। हमने बहुत प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक कई प्राइम मिनिस्टर बने, कई सरकारें बनी, लेकिन मंदिर तब बना जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो आप ये मानते हैं कि ये श्रेय उनको जाता है, क्योंकि कांग्रेस, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी कहती है कि नरेंद्र मोदी इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए श्रेय मोदी और बीजेपी को। 1971 में देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, पाकिस्तान भारत को बहुत तंग करता था, भारत को जब बहुत तंग करने लगा, आतंकवाद बढ़ाने लगा, रोज नई नई घटनाएं हो रही थी, तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का इलाज करने के लिए पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बना दिया। जब पाकिस्तान के दो टुकड़े किए इंदिरा गांधी जी ने, तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और देश में इंदिरा गांधी जी की नीतियों के घोर विरोधी थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि इंदिरा गांधी दुर्गा हैं। तो सच बोलने के लिए किसी दल में होना जरूरी नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ऋषि मुनि, संत महात्मा, तमाम राम भक्तों का बहुत बड़ा बलिदान है, सबका अपना अपना सहयोग है, लेकिन मंदिर का जो फैसला है, मंदिर का फैसला अदालत ने किया, अदालत के फैसले से मंदिर बन रहा है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो ये अदालत का फैसला ना होता। तो पार्टी को, ये हर पार्टी को, हर दल को ये श्रेय देना चाहिए नरेंद्र मोदी को या नहीं? लड़ाई तो उसी बात पे हो रही है कि इलेक्शन की वजह से ये हो रहा है। देखिए, कौन किसे श्रेय देना चाहता है, कौन किसी का श्रेय लेना चाहता है, कौन देगा कौन नहीं लेगा, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि मैं अयोध्या की पावन धरती पर
सरजू के तट पर अपनी अंतरात्मा से परमात्मा को साक्षी रख के, तमाम अयोध्या वासियों को साक्षी रख के, निसंदेह निर्भीक होकर के ये ऐलान के साथ डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ये मंदिर का फैसला नहीं होता। मेरे साथ बीजेपी की चारू प्रज्ञा एंड सैयद असद अब्बास भी जुड़ रहे हैं। सैयद असद अब्बास, दिस इज प्रमोद आचार्य सेइंग व्हाट ऑपोजिशन पार्टीज आर नॉट विलिंग टू से, एंड ही इज नॉट अ बीजेपी लीडर। दिस इज नॉट चारू प्रज्ञा स्पीकिंग, दिस इज अ कांग्रेस लीडर स्पीकिंग। इज इट टाइम टू एक्सेप्ट दैट व्हाट इज हैपनिंग टुडे, द प्रोमिनेंस दैट लॉर्ड राम इज गेटिंग टुडे इज ओनली पॉसिबल बिकॉज देयर इज नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर टुडे? विल द ऑपोजिशन एक्सेप्ट? Shivani, first and foremost, you know, let me address two things. I'm very well aware of Acharya Pramod Krishnam ji. He's been to my city of Bangalore and I have had the occasion of sharing the stage with him. But let me tell you, the way he used to speak about Bhajpa and Narendra Modi is starkly different now. I understand politics and more politics, but let me give you my view as an Indian young progressive Muslim. Allama Iqbal very beautifully inspired the great Lord Sri Ram as Imam-e-Hind, which means leader of India. I do not think, or the opposition does not think, that it is because of Narendra Modi. It is the Supreme Court's verdict which has come through, and largely the majority of the Indian Muslims have very gladly accepted the Supreme Court's verdict and they have hailed this looking forward to. We need to understand it is only Owaisi and the likes of the political party which want to do Hindu-Muslim will not be okay with it. But the large Muslim front of India did not protest against this. Even the petitioners against this gladly, willfully accepted the Supreme Court's verdict. So therefore, I would certainly look this as Maryada Purushottam Ram, who is undoubtedly greatly respected. My religion teaches me, Lakum Deenakum Valiyo Deen, Hamara Deen Hamare Saath, Aapka Deen Aapke Saath, which means to me is my religion, to you is your religion, and together unity. We are equal in faith or a brother in humanity, as per Imam Ali, who beautifully described this. I truly believe, as a young Indian Muslim, we should learn to exist with each other, respect each other's religious beliefs, and look forward to. As a matter of fact, Shivani ji, let me tell you, Kerala, Samasta Maulvis of Kerala came out and said that we will not be hurt if any political parties attends the consecration or the Pran Pratishtha ceremony. This is a huge verdict. Now, politicians might play. Acharya Pramod Krishnam ji, who used to speak against Modi time and again, who used to speak against BJP, might turn. But that does not believe that everybody will turn. Undoubtedly, there is politics. But to me, I look forward to as something which unites the people and does not divide. And let me tell you that over the large front, we need to understand that unity is the way to go for India. Just hold on. You've made a charge against Acharya Pramod. I want to give an opportunity to you to respond. Two things. वो कह रहे कि आप पहले नरेंद्र मोदी को अटैक करते थे, लेकिन आज आप उनको श्रेय दे रहे हैं, आप पलट गए हैं। देखिए, कौन पलट गया, कौन अलट गया, कौन उलट गया, ये मेरा विषय नहीं है। सवाल इस बात का है, मैं एक बात सारे अपोजिशन से कहना चाहता हूं कि राम को किसी एक पार्टी का समझ लेना ये ठीक नहीं है। राम किसी एक दल के नहीं हो सकते हैं, राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते हैं, राम किसी एक वर्ग के नहीं हो सकते हैं, राम किसी एक जाति के, राम किसी एक राज्य के, और भगवान श्री राम को किसी देश की एक परिधि में भी बांध के नहीं रखा जा सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम है। तो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी आस्था के आधार हैं, तो फिर राम से हम हैं, हमसे राम नहीं है। दूसरा सवाल शिवानी जी, भारत या आई एम लिसन आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट, प्लीज लेट मी फिनिश। दूसरी बात इन्होंने जो कही है, मैं आज भी कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करना हमारा अधिकार है। देश के प्रधानमंत्री के किसी भी फैसले की आलोचना हम कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना हमने पहले भी की है और हम एक स्वस्थ आलोचना आगे भी करेंगे। ये डेमोक्रेसी का राइट है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करना अलग बात है और प्रधानमंत्री से नफरत करना अलग बात है। मैं प्रधानमंत्री से नफरत करने के पक्ष में नहीं हूं। जी, एक और सवाल चारू, आई एम कमिंग टू यू, बट एक और सवाल जो उन्होंने बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है,
तो उनको क्यों नहीं मिले ये क्रेडिट? ये नरेंद्र मोदी को क्यों मिले क्रेडिट? नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं सम्मान करता हूँ और मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, मंदिर अदालत के फैसले से बन रहा है। मैंने ये कब कहा कि मंदिर अदालत के फैसले से नहीं बन रहा है? मैंने ये कब कहा कि मंदिर नरेंद्र मोदी जी के फैसले से बन रहा है? मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मंदिर अदालत के फैसले से बन रहा है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ये फैसला नहीं होता। शिवानी, और मैं अपनी बात पर कायम हूँ और मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। चारू चारू एंड देन संजय। चारू शिवानी, आपको राम राम और आचार्य जी को भी मेरी राम राम। मैं यहाँ अपने गांव के पास पूरा महादेव के मंदिर में बैठी हूँ एंड आई कैन नॉट एक्सप्रेस द एक्साइटमेंट एंड द इमोशन दैट सराउंड्स मी राइट नाउ। राम जी चोज मोदी जी एज द माध्यम थ्रू विच ही इज कमिंग बैक टू हिज ग्रैंड पैलेस अगेन एंड नोबडी कैन डिनाई दैट। इफ माय को पैनलिस्ट फ्रेंड वांट्स टू क्वेश्चन द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेट मी टेल यू, व्हेन कांग्रेस वाज इन पावर एफिडेविट्स वर सबमिटेड टू द सेम सुप्रीम कोर्ट वेयर द गवर्नमेंट डिनाइड द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ ऑफ भगवान श्री राम। एंड इवन रिसेंटली व्हेन माय गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट वाज फाइटिंग एवरी सिंगल डे एंड पुटिंग द बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू फास्ट ट्रैक दिस प्रोसेस, इट वॉज अ कांग्रेस लॉयर हु डिड इज वेरी best to make sure that the dates get delayed as much as possible. So this is a universal truth. Of course, Ramji sabke hai, wo keval hamare nahi hai, ek party ke nahi hai, keval Hinduo ke bhi nahi hai, keval Bharat ke bhi nahi hai, wo pure vishv ke hai. And you denied that opportunity to yourself and your party people by completely turning your back on this most wondrous day that we are privileged to see. I honestly feel that people waited for 500 years, generations past, waited to see this day, and you were a part of this day, you were invited and you turned away. Mujhe lagta hai isse bada durbhagya aapke jeevan mein nahi ho sakta. But Charu, the question is the BJP taking political advantage of what is a civilizational, religious and cultural event? You are making it political, is what the opposition says. Are you not guilty of that? Political fayda to aap utha rahe ho na? Shivani, thank you for asking me that, and I want to answer this. Let's also remember there are no BJP flags in Ayodhya, there are no BJP leaders in Ayodhya, and Modi ji represents the country when he's there. The other political parties were also invited. They could have sent a big delegation and they could have been a part of the Pran Pratishtha. They are the ones who said no to it. The other very important thing to remember is that our party from the first day has said that the construction of this Ram Mandir is of paramount importance to us. We've always said Dhara 370 ko hatana hai, Ram Mandir ko banana hai and Uniform Civil Code ko lana hai. We've said it every single day. We have worked towards it since the birth of our party. It's been decades. So please, today if anybody wants to say that BJP is taking political mileage from it, I want to remind them that political parties pick up causes which are important to the people of this country. Social movements become the basis on which political parties are given birth. This was the social movement which made BJP what it is today. And we are a part of that social movement. We are the front runners in that social movement. And why should we turn our backs today and say it's not important to us? I think it's a moment of great victory for all of us, especially Modi ji. I will go to Pramod Acharya on that question ki agar aaj Congress ko Ram Mandir ke saath associate nahi kiya jata aur BJP ko kiya jata hai ya Pradhan Mantri ko kiya jata hai to usme galti kiski hai? Aapke paas main aungi is sawal ko leke, lekin Sanjay Kumar, I want to ask you, what impact of the Pran Pratishtha do you think on the upcoming elections? Is it that people have already made up their minds? The BJP core voter has already made up their minds, the opposition voter has already made up its mind, and nothing is going to change? Or could this event be an upswing or a downswing for either side? Shivani, there is no doubt that this event will upswing BJP's vote share. There is no question of BJP's vote share going down. Yes, you rightly mentioned that. And in India at this moment, the BJP voters are committed to voting for BJP, and there are voters who are not committed to voting for BJP and they would vote for opposition parties. But the way this event is being celebrated and the euphoria which I see around in my own colony, in the other parts of the cities, in different states, I have no doubt that this is going to add to BJP's prospects for 2024 election. BJP is trying, will make it
as the biggest electoral issue for 2024 election, which is going to pay dividend to BJP in next Lok Sabha elections. बीजेपी को इससे बहुत फायदा होगा प्रमोद आचार्य जी। देखिए शिवानी, मैं इस विषय को राजनीति में ले जाना नहीं चाहता, बट राजनीति तो है इसमें। नो, मैं मानता हूँ कि भगवान राम राजनीति से बहुत ऊपर हैं, लेकिन जो हो रहा है पहले उस पर बात की जाए। अभी हमारे साथी पैनलिस्ट जो बात कर रहे थे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब एक व्यक्ति कोई नेता होता है, वो किसी पार्टी का होता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनता है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो नरेंद्र मोदी अगर इस देश के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी अगर इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मुख्य यजमान की भूमिका निभाने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनते हैं, तो इसको स्वागत करना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर भारत में भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भारत का प्रधानमंत्री यजमान बनता है, तो पूरे भारत के लिए यह गौरव का विषय। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भारत का प्रधानमंत्री यजमान नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यजमान बनेगा? यह अजीब बात है, ये क्या तमाशा हो रहा है? हमने हर एक धर्म का सम्मान किया है। और शिवानी, मैं कहना चाहता हूं, भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष है। भारत का संविधान सभी धर्मों का समान सम्मान करने का हमें हक देता है और हमें व्यवस्था देता है, लेकिन भारत का सम्मान हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं देता है। सवाल इस बात का है, धर्म निरपेक्षता का अर्थ केवल हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना समझ लिया गया, तो मैं इसके खिलाफ था, मैं इसके खिलाफ हूं और मैं इसके खिलाफ रहूंगा। बट आचार्य जी, आप एक बात बताइए, हमारे दर्शक देख रहे होंगे, आप इतने भावुक होके ये सारी बातें बोल रहे हैं, पर आप तो वही बात क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपकी पार्टी बोलती है। कांग्रेस के ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने हिंदुओं को दबा के मुसलमानों को खुश करने की कोशिश करी है। शिवानी, मैं इसको हिंदू मुसलमान में नहीं ले जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी से देश बड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये बात देश बड़ा है। तो ये बात कांग्रेस को क्यों नहीं समझ में आती? वो तो ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए रिलीजियस प्रोग्राम में, हमारा देश सेक्युलर है। जवाहरलाल नेहरू ने जैसे मना किया था कि सोमनाथ में मत जाइए, वैसे ही नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए था। राम का मंदिर बनना सेक्युलरिज्म को कहां खतरा पैदा करता है? तो आप अपनी पार्टी से राम से बड़ा, सुनिए, राम से बड़ा सेक्युलर कोई दुनिया में है? शबरी के राम, जटायु के राम, अंगद के राम, हनुमान जी के राम, विभीषण के राम, मेरे राम, तेरे राम, सबके राम। ओके शिवानी, कैन आई क्विकली काउंटर दैट प्लीज? वो सनातन जो ये सिखाता है हमको, सत्य सार्थक सर्वदा, जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। और माफ करना, सेक्युलरिज्म सनातन से अलग नहीं है, सनातन ही सेक्युलर है, सेक्युलर ही सनातन है। और सनातन को आप छोटा मत समझिएगा। मैं आज आपके चैनल पे ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भारत में रहता है वो भारत की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान नहीं करता, तो माफ करना, वो अपने को भारतीय कहना छोड़ दे। मैं कहना चाहता हूँ, राम भारत की आत्मा है, राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, और जब राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, तो भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आप बताइए आप... और आज और मैं ये कोई मैं भावनात्मक बात नहीं कह रहा हूँ, हाँ ये जरूर है कि मेरी भावनाएं हैं, लेकिन मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं तर्क संकत बात कर रहा हूँ। भारत के संविधान को हमें दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया, उस संविधान के पन्नों पे भगवान श्री राम के दरबार का चित्र अंकित है जी। मतलब है कि भारत जहाँ है राम वहाँ है, राम जहाँ है भारत वहाँ है। चलिए मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ, जो आप बात कह रहे हैं, अब आपको क्या लगता है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, चलो आप मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करती, सारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, आने वाले चुनाव में क्या उनका अब सुखड़ा साफ हो जाएगा जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं? जो भावना आप में है वो मुझे लगता है फिर आप जनता में भी है, तो आपको अच्छा खुला सवाल है, आपको आने वाले इलेक्शंस में क्या लगता है क्या होगा प्राण प्रतिष्ठान के बाद, जनता कैसे सोचेगी? देखिए कल क्या होगा ये तो राम जी जाने, लेकिन एक बात जरूर है, मैं नहीं कह रहा हूं, जिसने राम का साथ छोड़ दिया वो डूब गया,
और जो राम के साथ रहा वो पार हो गया. So I think okay, we have Shivani, as much of an indication as we can get. I just remember. Come to you for 30 seconds as well. Maybe the opposition missed a trick. Maybe the opposition could have stopped its politics as far as this event is concerned, because they're going to pay very heavily because of it. I'll tell you what I'm totally amused today, Shivani. The same man, Acharya Pramod Krishnam, who I shared stage with in Bangalore City a couple of years back, is singing different tunes. He, the Muslim gathering, said, Nabi jitne tumhare hain, Nabi utne hamare hain. Acharya ji, kaan khol kar sunye, main aapko bol raha hoon. Ram jitne tumhare hain, Ram utne hamare hain. हम आदर सम्मान करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, लेकिन आप जैसे लोग जो आचार्य बनते हैं और दूसरे गाने गाते हैं, भाई साहब आप कहते हो अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं, राम जितने तुम्हारे हैं राम हमारे हैं. जी हाँ बिल्कुल, राम सिर्फ आपके ही नहीं, सभी के हैं, पूरे विश्व के हैं. लेकिन आप जो श्रेय देते हो मोदी जी को, जो आप कर रहे हो, मोदी जी तो सही बात कर रहे हैं, मोदी जी तो पहले ही मंदिर के साथ रहेंगे, लेकिन आप जो दल बदली कर रहे हो, मैं तो शॉक हो गया हूँ आपकी बातों से. आप जो दल बदलू बन रहे हो, आप पहले आप स्टूडियो से बाहर है, प्रमोद आचार्य मेरे साथ है. आपने जो सवाल किया, मुझे फिर से उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी. आपके ऊपर बहुत इल्जाम लगा. मुझे नहीं मालूम इनका नाम क्या है. सैयद असद अब्बास. अच्छा, सैयद हसन अब्बास साहब, मैंने जो कहा है वो आज भी कह रहा हूँ. कोई भी सूफी संत रसूल पीर पैगंबर महात्मा ऋषि मुनि और अवतार वो एक कौम के लिए नहीं आता, वो आता है पूरी दुनिया के लिए आता है. इसीलिए भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया. वो जितने हमारे हैं उतने आपके हैं, इसमें कोई तो मैं कह रहा हूँ चोरी छिपके की बात नहीं है. दूसरी बात राम का नाम लेना, अभी आप कह रहे हैं मोदी को श्रेय क्यों दे रहे हो. अरे भाई, मोदी को श्रेय ना दे तो क्या इमरान खान को श्रेय दे, किसको दे, किसको दे. शिवानी के जहाँ तक सवाल है मेरे ऊपर हमला करने का, तो मेरे ऊपर सुनिए अब्बास साहब सुनिए. अरे सुनिए यार, सुनो जहाँ तक हमला करने का सवाल है, जब मैंने ये बात कही थी कि मैं किसी भी दूसरे धर्म के किसी भी पैगंबर का अपमान करने को गलत मानता हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ. हमारा धर्म सिखाता है कि हम सबके हैं, सब हमारे हैं. हम जितना सम्मान अपने भगवान का करते हैं, उतना ही आपके लोगों का करते हैं, उतना ही पैगंबर का करते हैं. अगर कोई पैगंबर को गाली देगा मुझे बुरा लगेगा, लेकिन माफ करना, हम आपके अकीदे का एहतराम करते हैं, लेकिन आपको हमारी आस्था का सम्मान करना पड़ेगा और करना चाहिए. हम तो करते हैं. अच्छा, चारू प्रज्ञा वॉन्ट्स टू कम इन एंड टेल संजय. नहीं, सही है. तुम्हारे नबी उतना हमारे, तो सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे हमला किया, आज मैं कह रहा हूँ राम जितना हमारे उतना राम को आप भी अपना समझो, तो आप मुझ पे हमला कर रहे हो. मेरे भैया सुनो, मुझ पे हमला करो, मुझे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन मैं सच बोलने से ना कभी डरा हूँ और ना डरूंगा. इनको आचार्य प्रमोद को नोटिस आने वाला. नहीं सैयद, रुक जाइए. सैयद, मुझे लगता है आचार्य प्रमोद को नोटिस आने वाला है कांग्रेस पार्टी से. हमारा शो देखने के बाद नोटिस तो नहीं आ जाएगा आपको? ये तो मेरी पार्टी सोचेगी, ये मेरा सोचने का फैसला थोड़ी है. मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं देश के साथ खड़ा हूँ, मैं भगवान राम के साथ खड़ा हूँ. और सुनिए, भगवान राम के साथ खड़ा होने में मुक्ति है. जहाँ सत्य है तहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है तहाँ कृष्ण है, जहाँ धर्म है तहाँ राम है, और जहाँ राम है वहीं विजय है. जी, बहुत बहुत धन्यवाद. जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम. जी आचार्य प्रमोद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मंच में जुड़ने के लिए. मैं जा रही हूँ चारू प्रज्ञा के पास. चारू, यू बीन वेटिंग टू कम इन. चारू कम इन. लॉट्स ऑफ फाइट हैपनिंग ओवर हु शुड गेट द क्रेडिट. But it seems so, Shivani, like was, even somebody from the opposition camp is accepting. Yes, go ahead. So I have all admiration for Acharya Pramod ji at this moment for speaking the ultimate truth. Because I wanted to ask my friend Sayed here, tell me what was the state of the
case in court when Congress was in power. You know, the status of the case was the government did not want to acknowledge the existence of Ram. Even after they were out of power, they wanted to say, don't allow the dates of the case to come up. Kuch bhi karke isko aap delay karte jaiye. That was their tactic. Even right now, most recently, Shivani, Congress workers enter the Ayodhya Shri with party flags in hand, abusing Bhakts. Is that the kind of politics they want to do? And then they want to snatch credit. What do we give you credit for? Except for siding with the people who've abused Sanatan Dharma, who've abused Hinduism. That's what you have done and that's what you get credit for. So, Sayed, I need you to open your eyes right now and face the truth. That, Modi ji was not the prime minister of this country. I will answer Ram Mandir nahi bana hota aur ye sach pure vishv ko pata hai. So, Shivani, quick counter to Charu Pragya ji. The fact of the matter, we need to understand, Quick, I have to go to Sanjay Kumar also. Very, very quick. 30 seconds, I will tell you. The fact of the matter, Shivani, which I also said to Acharya Pramod Krishnam ji, Ram, Imam-e-Hind, jisne Allama Iqbal called him Imam-e-Hind. We respect Maryada Purushottam Ram. Same way I said, Ram jitne tumhare hai, Ram utne hamare hai. And largely, but the debate the 20 is not, crore you denying Muslims Ram. Of the India. The debate is today you wanting this, to say Modi ji doesn't don't matter. Don't do this, Charu Pragya ji. Right, please. I'm asking you. Debate civilized. Right, I'm I do not speak when I'm you I'm very please. Civilized please, with you, my friend. Allow me I'm to asking you talk about Modi ji right now. I allow ask you something specific. Allow me to complete my points. You're not... This is not you, Charu. Please, kindly allow me to complete my point. 20 crore Muslims acknowledged the verdict, did not protest and willfully accepted it. Apart from the OAC-likes and the because opposition Modi-ji likes, was which in do power. Not matter. Because Modi-ji is in power. No, okay. Not at all, only ma'am. Because Modi-ji is in power. India no. Let's not all one second, one second. So let's not go complete. Back to the judgment ma'am, we've discussed we, that. I'm looking forward to what impact this has. I want to go across to Sanjay Kumar as well. Sanjay Kumar, after the last edition of the state elections, it was being said that the next general elections are a done deal for the BJP. Plus, you are saying this is going to be an upswing for them. Has the opposition missed a trick by not attending this event? Or do you think they've done justice to what they needed to do as far as their constituency is concerned to preserve their votes by not attending this event? I think it was a very difficult choice for the opposition. I think the decision they have taken not to attend the ceremony because they realize that even if they attend the ceremony, they are not going to influence the Hindu voters. There is no way they can influence the Hindu voter and mobilize the Hindu voter towards their fold. So I think the choice was, why not send out a message to their own core supporters that these are the secular parties and they don't stand for the Hindu cause or they don't want to take sides on a ceremony which is being taken on a religious line. So I think they decided to stay away, send out a strong message that these are the secular parties, we want to stay away from religious event. And also the message they are trying to send out that this is not only a religious event, it has been politicized, it has become a BJP event. So this is a message which they are trying to send out. I am not sure whether the message is going down well in the minds of the voters or not. So I think a difficult choice, and maybe I would say parties, the opposition parties may have thought carefully before taking this call, and maybe they have understood that this is the right way to go. Right. The problem only arises is that there are different voices coming in, at least from the largest opposition party, which is the opposition. We just had Acharya Pramod with us, who's speaking a completely different tone than what the official Congress party line is. Local leaders are coming to Saryu. Local leaders want to attend the Pran Pratishthan. It sends a different message. It sends a message that the top leadership is not in consonance with the feeling and the emotions of the public on ground. I leave it at that. I do thank all of our guests for joining us. But don't go anywhere on the other side of the break. I've been around in Ayodhya for a couple of days. I bring you some special reports, including a very special conversation with Purnima Kothari, the sister of the Kothari brothers, the Karsevaks, who were killed in UP government firing in 1990, plus some other reports from around Ayodhya, how the city is gearing up for the big Pran Pratishthan on Monday. Thanks a lot for watching. At 10:55 a.m., the Prime Minister is expected to reach the Ram Janmabhoomi premises by flying in a chopper from the Ayodhya airport to a spot near the Ram temple. From 11 a.m. to noon, 12,
The Prime Minister will be inside the Ram Janmabhoomi premises. Nobody really knows what exactly the Prime Minister will do for that 1 hour. But what our sources are telling us that the Prime Minister could take a complete round of the Ram Janmabhoomi premises and also meet those workers and labourers who have toiled very, very hard for the last 3 years to ensure that the ground floor and the first floor of the Ram temple are now complete. And the second floor of the and the entire temple, in fact, will be complete by the end of this year. The Prime Minister will be interacting with these Shramjeevis, the labourers and the workers who worked so hard on constructing the Ram temple. He would also briefly do some jap before he enters the Ram temple Garbhgriha for the Pran Pratishthan ceremony. Almost an hour before the PM arrives at the Ram Janmabhoomi premises, all the 8,000 invited guests will already be seated inside the Ram Janmabhoomi premises. They'll be leading voices from leading stars in Bollywood, leading stars, leading voices from the industry, the leading saints and seers of the country will all be in attendance. From 12 noon to about 12:50 p.m., the Prime Minister will be inside the Garbhgriha of the Ram Temple for the Pran Pratishthan ceremony along with a few other dignitaries. Prime Minister will the patti over the eyes of the new Lord Ram idol will be removed in the presence of the Prime Minister. The Prime Minister will then be putting kajal in the eyes of Lord Ram and also showing him the mirror, a ritual for the Pran Pratishthan ceremony amidst a chant of hymns and other Sanatan Dharma rituals will be done while the Prime Minister is inside for the Pran Pratishthan ceremony. After that, the Prime Minister will come out for a public program from 1 p.m. to 2 p.m. where he will be addressing all the invitees and people from across the world and people across the country who will be watching on their TV screens that day. There will be first a speech by Chief Minister Yogi Adityanath, followed by a speech by RSS Chief Mohan Bhagwat, and then the Prime Minister will give his sambodhan to the people, recounting the long struggle for the Ram Janmabhoomi temple and how the dream and the wish of thousands and millions and crores of people has come true. From there, the Prime Minister will be going on an interesting visit. He will go and visit the Kuber Tila inside the Ram Janmabhoomi premises. At about 2:10 p.m., the PM will proceed for Kuber Tila. This is situated inside the Ram Janmabhoomi premises and there is an ancient Shiv temple on the top of the Kuber Tila, which has also been refurbished with a ramp being built right up till Kuber Tila for the convenience of the pilgrims who can go and visit the Kuber Tila. So along with Lord Ram, Lord Bholenath has also got a concrete chhat above his head, finally under Ram Janmabhoomi premises. What we know about the Kuber Tila is that it is one of the major pilgrimage sites which have been discussed in the dialogue between Parvati and Lord Shankar under the Ayodhya Mahatma section in Sri Rudramal, which includes 43 mythological places, including the Sri Ram Janmabhoomi within the Ramkot area. Kuber Tila is one of them. It has been called the Sri Navratna in ancient tradition. The ancient Shivalinga is established on the Kuber Tila itself. It is believed that Mahadev is present near the birthplace of Sri Ram from time immemorial. It is also believed just as the same way Lord Shiv is present there in the vicinity of Lord Ram's birthplace, just as Lord Brahma came and resided in the Brahmakund on the arrival of Ma Sita. It is also believed that on Kuber Mound, the Sri Kuber, the incarnation of Sri Vishnu is seated as a servant of Lord Ram in his kingdom Ayodhya in the form of symbol of glory and wealth. There is also a new Jatayu statue, a bronze statue that the PM could pay tributes at the Kuber Tila. This is a bronze statue which was installed on Kuber Tila of the Bird King Jatayu just last month. And we all know how Jatayu had a very, very significant role in the Ramayana, trying to save Ma Sita from the clutches of Ravana while Ravana abducted her and took her to Lanka. After all these programs, at 3:30 p.m., the Prime Minister is expected to depart from Ayodhya, concluding his five-hour-long historic and a very, very religious and a very, very important visit on January 22nd for the Pran Pratishthan. The story of the Ram Janmabhoomi and the struggle of 500 years for the new Ram temple in Ayodhya is incomplete without the story of the Kothari brothers, the Kar Sevaks from Kolkata who had come all the way to Ayodhya.
but met the firing by the UP government in 1990 and lost their lives. I'm joined by none other than Purnima Kothari, their sister. Purnima ji, aaj ke din aap Ayodhya mein hain. Ayodhya mein aake pran pratishthan ki ceremony aap dekhne wali hain. To man mein kya feelings hain? Jai Shri Ram. मेरी आज जो फीलिंग है वो मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रभु की असीम अनुकंपा मुझ पर बरस रही है. माता पिता का आशीर्वाद, भाइयों का आशीर्वाद मेरे साथ है. आज मैं प्रत्यक्ष इस मंदिर पर, मंदिर के उद्घाटन पर यहाँ मौजूद हूँ. सबसे बड़ी बात है कि आज मुझे ये लग रहा है कि आप अयोध्या की भूमि पर है, ये भी बहुत बड़ी बात है. जहाँ लाखों लोग आने को तरस रहे हैं, वहाँ आपको इस भूमि पर रहने का और आपको यहाँ सेवा करने का मौका मिल रहा है. मैं, मेरी पूरी राम शरद की टीम है जिनके साथ मैं यहाँ आई हुई हूँ. हम 50 लोग कलकत्ता से पहले चल के आए थे, फिर कुछ लोग गए और कुछ लोग वापस से आए. लगभग 100 लोगों की एक टीम बनी जिन्होंने मिलके ये 10 दिन का चाय नाश्ता दोनों का एक सेवा लगाया है. सेवा से कभी आपकी या अपनी फैमिली ने सोचा था ये दिन आएगा? क्योंकि बहुत लोगों को नहीं लगता था कि मंदिर बनेगा. देखिए, बनेगा ये तो पूर्ण विश्वास था कि, लेकिन आपके जन्म में हाँ, आपकी 500 वर्षों का संघर्ष का इतिहास है. 500 वर्ष तक अगर आप एक मंदिर के लिए संघर्ष कर सकते हैं तो आप उसे बनाने की भी पूरी ताकत रखते हैं. आज नहीं कल बनेगा. हाँ, ये जरूर आप बोल सकती हैं कि मैं अपने जीते जी देख पाऊंगी. हाँ. इसकी आशा पहले छीन थी, 2014 से पहले सच कहूँ तो छीन थी. फिर मोदी जी बने तो एक मन में आशा जगी कि हमारे प्रधानमंत्री अपने किए हुए वादे को, जो बीजेपी का मुखपत्र का एक, जिसको मैं बोलूं कि मुख्य पॉइंट था, ये उस वादे को पूरा करेंगे. देखिए पूर्णिमा जी, आपके भाइयों को तो कोई वापस नहीं ला सकता, आपकी फैमिली ने जो सहा है वो भी कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन क्या राम मंदिर बनने से और आज का जो दिन आप देख रहे हैं, आप प्राण प्रतिष्ठान की सेरेमनी में अंदर होंगे मंदिर में, क्या उससे कुछ दुख कम हुआ है? देखिए, मैंने हाथों में मेहंदी लगाई है और मैं कल का दिन, मैं ये कहूंगी कि मैं कल का दिन अपने भाइयों के साथ मनाने जा रही हूँ. जी जी जी, उनकी याद आती है. तो ऐसा क्या जोश था आपके भाइयों में जो वो आए थे अयोध्या कोलकाता से? उनमें जोश नहीं था, वो पूरे होशोहवास में थे. उनमें एक उत्साह था और राष्ट्र को एक संदेश देने के लिए वो यहाँ आए थे. वो भी कहीं ना कहीं भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद जी से प्रेरित थे. जैसे कि मैंने पढ़ा हुआ है कि भगत सिंह जी अगर चाहते तो वो पार्लियामेंट में बम फेंक के भाग सकते थे, उन्हें पूरा अवसर मिला था, किंतु वो वहां से गए नहीं. वो राष्ट्र को एक संदेश देना चाहते थे. उन्होंने बलिदान के माध्यम से जो संदेश दिया था राष्ट्र को, जिसके कारण हमें 1947 में एक बहुत बड़ी क्रांति हमने करने की ताकत पाई और हम जीते भी. उसी तरीके से मैं ये समझती हूँ कि मेरे भाइयों ने उस क्रांति का एक, जिसको मैं बोलूँ, शंखनाद किया था और जिसकी वजह से 90 की जो वो बलिदान हुआ था, उसकी वजह से आज हमें 92 का दिन देखने को मिला, जब वो कलंकित ढांचा, जिसे ढहाना बहुत मुश्किल था, अगर मैं कहूँ कि मजदूरों को लगाया जाता तो कम से कम कितने महीने लग जाते हैं उसे तोड़ने में, वो 4-5 घंटे में उसका टूटना, वहाँ प्रभु राम का पुनः स्थापित होना और आज इस भव्य मंदिर का निर्माण होना, ये कहीं ना कहीं मेरे भाइयों की जो बलिदान था, ये उसका कहीं ना कहीं परिणाम है. आपकी आंखों में अभी भी आंसू आ जाते हैं जब अपनी भाइयों की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज का दिन आ गया है तो अपने भाइयों को आपके सामने होते तो क्या कहती हैं आप? मेरे भाई मेरे साथ है, मैं ये जानती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे लाखों भाइयों ने इस तरीके का ये बलिदान भी दिया और उन्होंने ये जो कार्य किया, जो चले गए उन्हें तो नमन है ही, मैं तो उनको भी वंदन करती हूँ जो आज भी मौजूद है और जिन्होंने इसके लिए, मतलब 90 की घटना होने के बाद जो 92 में आए हैं तो वो बड़ा साहस लेके आए हैं. वो ये सोच के आए थे कि हमें 90 की घटना की पुनरावृत्ति मिल सकती है, फिर से गोलियां चल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं थी, किंतु वो मन में एक अदम्य, जिसको बोलूं, साहस और इच्छा शक्ति के साथ यहाँ आए थे कि हमें ये कार्य पूर्ण करना है. आपके भाई एक तरह से क्रांतिकारी थे जिनका नाम और जिनका काम अभी भी लोगों को बहुत प्रेरित कर रहा है.
बिल्कुल, आप देखिए आज 33 वर्ष हो गए उनके बलिदान को और 33 वर्ष पश्चात उनके नाम को जो सम्मान मिल रहा है वो सच में मैं कहूँ तो मैंने अविश्वसनीय है। और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने जो एक संदेश दिया था अपने बलिदान के माध्यम से वो आज सार्थक भी हुआ है और उनके उस बलिदान को लोगों ने सम्मान भी बहुत दिया है। आप कह रही थी आपने मेहंदी लगाई है, क्या कुछ लिखवाया भी है अपने हाथों पे? जी मैंने ये जय श्री राम लिखवाया है जी। थोड़ा लिखने वाले बस हम ही थे तो अनाड़ी ऐसे ही लिखते हैं पर हमारी भावना प्रबल है मेहंदी के पीछे बहुत एकदम एकदम मेहंदी हम हर शुभ कार्य में लगाते हैं और मैं अपनी इस कल की शुभ मंगल वेला में मैं अपने आप को पूरा उसी तरीके से तैयार करूंगी जैसे मैं अपने शायद भाई की शादी में तैयार होती हूँ। मैं एकदम उस मूड से आई हूँ सच कहूँ तो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा कि कोठारी फैमिली को भी ये दिन देखने को मिला है क्योंकि कोई नहीं जानता कि आपने क्या सहा होगा इतने सालों में, बट एटलीस्ट ये खुशी है कि आज का दिन देखने को मिला है। वो कहते हैं ना लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, तो आपको लगता है कि अब लाइफ का एक पड़ाव पूरा हो गया है? जी भाइयों ने जिस कार्य को लेकर आगे बढ़े थे और फिर माता पिता के साथ भी हम भी उसी संकल्प में बंधे हुए थे, आज वो एक पड़ाव जरूर पार हुआ है। मैं तो ये कहूंगी कि ये संघर्ष का विराम नहीं है, ये नए युग का आरंभ है। भाइयों ने राम जन्मभूमि के लिए राष्ट्र को संदेश दिया था और हमारे आगे अभी कृष्ण जन्मभूमि और काशी है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इंजॉय द सेरेमनी एंड वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। मैं पूरे राष्ट्र को बधाई देना चाहूंगी कि हम सबको ये दिन देखने का मौका मिल रहा है, हम बहुत सौभाग्यशाली है। Uttar Pradesh government has launched the Holi Ayodhya app and has registered 500 homestays for the convenience of visitors coming to the holy city. Behind me is one such homestay called the Parijat homestay. It is registered on the official Ayodhya app which has been launched by the Ayodhya Development Authority. The unique factor of these homestays is that while they are very, very pocket friendly, they are also extremely close to the actual Ram temple, walking distance to the Ram temple, making it very convenient for visitors who want to come here, want to do darshan, to stay very close in homely and friendly conditions which do not pinch your budget. कब से आप विजिटर्स को यहाँ पे होस्ट कर रहे हो? जुलाई से। तो आपने अपना घर स्पेशली रजिस्टर कराया है? रजिस्टर कराया है। तो होली अयोध्या ऐप में भी आपका रजिस्टर है जी। तो कितने विजिटर्स आपके पास रह चुके हैं अभी तक? मेरे ख्याल से 250। अच्छा, और सारी बुकिंग्स आगे की कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, फुल है। अभी कितने कमरे हैं आपके पास? अभी मेरे पास 5 कमरे हैं और हम आगे बढ़ा रहे हैं जी। और अभी फुली बुक्ड है? बुक्ड है जी। तो क्या दर्शन की वजह से या प्राण प्रतिष्ठान की वजह से ज्यादा बुकिंग्स मिल रही हैं? हाँ। अच्छा जी। ये सरकार की जो योजना है होम स्टे वाली, ये बहुत अच्छी है। सो देयर इज सम ओपन स्पेस हियर एज यू कैन सी। There are obviously flowers and almost a garden-like situation. We'll go up to the floor and see what the rooms look like. As I said, the unique factor of these homestays is that they're very close to the temple. So actually from one of these homestays where I am, from the first floor, you can actually see the mandir which is coming up. This is as close as it gets. It's going to be walking distance for the visitors. They can even look at the mandir from the first floor. So that's the unique aspect of these homestays. So this is one of the balcony areas. You can see it's an outdoor area where the guests can sit, maybe enjoy some sun. It is an uncharacteristically sunny day today in Ayodhya. It's been pretty foggy and very overcast. But this is where they make their visitors stay, on the first floor. They've got 5 rooms here. They're building more. Let's go and check out the rooms as well now. So this is a gallery where a lot of rooms are connected. And this is one of the rooms for the guests. So it's a very decent sized room with a double bed, chairs, there are side tables, there is an almirah. I can see there's an AC, there's a TV
and of course a mirror that has been provided. On the other side is also this bathroom. Let's try and see the bathroom. There is a English style WC and a small shower area as well. और क्या फैसिलिटीज आप देते हैं? वाईफाई वगैरह कुछ? जी वाईफाई है, गीजर है, एसी है. ओके एंड खाने की भी कोई प्रॉब्लम? जी ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है, खाने का होममेड खाना मंगाते हैं. अच्छा जी, तो जो आपके यहाँ पे विजिटर्स हैं वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, घर का खाना और बहुत अच्छा खाना रहता है. लेट्स टेक अ लुक एट द अदर रूम एज वेल. दिस इज ऑल्सो अ फेयरली लार्ज रूम, गुड डबल साइज रूम विद एन अलमीरा, TV, a kettle is provided, some glasses, bedside tables, chairs, and once again, there is a bathroom here as well. So the bathroom also has a shower area, it has a wash basin and a WC. So very comfortable and homely, and certainly as you can see, very friendly conditions as well. You can get home cooked food here, you can get very Indian hospitality, and the best part, you can stay as close as it gets to the Ram temple, and you can possibly get the locals to help you out if you're not from the area to suggest you of how to get around and the best places to visit. Anybody could have imagined or predicted that the Ram temple was going to become a reality, or when it was going to become a reality. There have been countless such workers working in the Karyashala in Ayodhya. From the 1990s, stone has been sent to this Karyashala, started by the VHP back then, and work on such pillars of the mandir has been ongoing. At that time, nobody knew the date, but everybody had the faith that the mandir will become a reality. In fact, the architects of this temple had designed the Ram temple design way back in the 1990s. It was even popularized by the VHP on their booklet. It was presented at a Kumbh. And today's design has only expanded on the design that was first made in 1990. Let me speak to this worker here. Bhaiya, aap kahan se aaye hain? Rajasthan se. तो आप इस कार्यशाला में कब से काम कर रहे हैं? साल भर हो गया. अच्छा, अब तो मंदिर में मंदिर पूरा बन ही गया है. यहाँ का जो पत्थर है ये बहुत सालों से यहाँ पे आया हुआ है, और इस पत्थर को भी इस्तेमाल किया जाएगा. पत्थर को भी इस्तेमाल किया जाएगा जी. तो आपको क्या बताया गया है? आपका काम चल रहा है तब से वैसे ही? काम चल रहा है हमारा, चालू ही है. आज जब मंदिर बन के तैयार होने वाला है, उस पे कुछ कहेंगे क्या? क्या आपकी आपके मन में क्या ख्याल है? मंदिर अब बन गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है. खुशी है हमें, जल्द से जल्द हो जाए. स्टोन हैज बीन कमिंग टू दिस कार्यशाला इन अयोध्या सिंस द 1990s. At that time, the movement was at its peak. It obviously lost a little bit of its fervor since then, post the mid-1990s. But work here in the Karyashala has never stopped. And special care has been taken that all the stone that is there in this Karyashala is still used in the construction of the Ram temple. The VHP and the architects have made sure that this stone that many people have come here over the years to visit when there was no mandir, and many people used to come here and even worship these stones, because at that time there was no Ram temple, but their belief was that this stone will become the Ram temple. So special care has been taken by the VHP and the Teerth Kshetra Trust today to make sure that this stone does not go waste. All of this stone eventually will be used in the construction of the Ram temple. Even today, there are a lot of people who are coming to this Karyashala who are actually clicking their pictures with this. There is still a lot of faith and devotion associated to these stones. And there was a time when people used to come here and worship these stones because there was nowhere else to go and worship. That's really the story of the faith associated with the Ram temple, which is today becoming a reality. Pran Pratishthan ceremony on January 22 is being celebrated as a second Diwali, not just in Ayodhya, but across the country. And true to that spirit, there is actually a Ram Leela going on out of season ahead of the Pran Pratishthan in Ayodhya, right next to the Ayodhya Railway Station Dham.
I'm joining you from the Ramlila spot, and the weather, of course, is extremely cold in North India, including in Ayodhya this time of the year. And still, a lot of people are coming here out in the open sky in the evenings to enjoy the Ramlila. Ramlila. This is the very famous Ayodhya ki Ramlila, and usually around Diwali time when it is held, famous film stars come and play main characters. But that is being replicated this time ahead of the Pran Pratishthan of the Ram temple. Behind me on the stage is none other than Raza Murad playing Dashrath. You also have the likes of Malini Awasthi playing Ma Shabri in this Ramlila. You have Manoj Tiwari and Ravi Krishan playing Parshuram and Bhagwan Lakshman. And you have Rahul Butcher playing Lord Ram in this Ramlila. And it has been specifically organized to enthrall the audiences of Ayodhya, of Ram Nagari, ahead of January 22. जनवरी 22 से पहले स्पेशल रामलीला हो रही है, और उस ओकेजन पे परफॉर्म करते हुए आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हम इस ओकेजन पर यहाँ पे हैं। मैं पिछले 2020 से मैं लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ। ये मेरा पांचवी बार है यहाँ पे अयोध्या में रामलीला काम करने का, और ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पे हैं। भगवान ने हमें चुना है इस काम के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 ईयर्स रहे हैं ये अयोध्या के लिए, 2019 के जजमेंट के बाद से अब 2024 आ गया है। तो आपने क्या बदलाव देखा है अयोध्या में? अयोध्या जो आज हमें दिखाई दे रही है, अयोध्या जी, वो तो लगता है दुल्हन बनी हुई है, खूबसूरत दुल्हन, और हर तरफ रोशनी है, हर तरफ हर्षोल्लास है। और मैं आज फ्लाइट से आया तो पूरा प्लेन जो है वो जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। जी, जी, जी। तो है, एक जोश है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट बनने की वजह से कनेक्टिविटी हो गई है पूरे मुल्क से, जो पहले नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, और अभी तो शुरुआत है। जी जी जी, बिल्कुल। अब बड़े बड़े यहाँ होटल्स भी बनेंगे, डिग्निटरीज आया करेंगे, राम जी के भक्त पूरी दुनिया से यहाँ आएंगे। तो अब बड़ा आसान हो जाएगा लोगों के लिए यहाँ। जी जी। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि राम मंदिर को लेके थोड़ा बहुत तनाव भी हुआ है भारत में दो समुदाय के बीच में, आप राम मंदिर को कैसे देखते हैं, और श्री राम के लिए जो इतने लोग आ रहे हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अच्छी बात, जो सबसे पॉजिटिव बात मुझे इसमें लगी कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, पूरे देश में तनाव था, रेड अलर्ट थी कि पता नहीं क्या होगा, किसके पक्ष में होगा, किसके विपक्ष में होगा, और लोग यही एंटिसिपेट कर रहे थे कि बहुत गड़बड़ हो सकती है, खून खराबा हो सकता है, रास्ता रोको हो सकता है, रेल रोको हो सकता है, आगजनी हो सकती है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, गोलियां चल सकती हैं, तबाही हो सकती है। जो फैसला आया, एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई, एक भी नहीं हुई, कहीं भी नहीं हुई, तो इससे ज्यादा पॉजिटिव बात और क्या हो सकती है? राम को खुद एक यूनिफायर की तरह देखा जाता है, माना जाता है कि भारत में जो भी रहते हैं उन सबके लिए राम एक श्रेय है, तो आप राम को कैसे देखते? राम सिर्फ भारत के लिए श्रेय नहीं है, पूरी दुनिया के लिए श्रेय है। राम जी पूरी दुनिया के हैं। तो
आप अब ये भी उम्मीद रखेंगे कि दर्शन करने को मिले आप अयोध्या में? बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये तो चाहबे करेंगे कि रामलला का दर्शन हो जाए, ये तो बहुत बेसब्री से लालसा है, 500 वर्षों से लालसा थी, भगवान हमारे टेंट में रह रहे थे, लेकिन मोदी योगी की बदौलत यहाँ पे पहुँच गए हैं वो। ये स्पेशल रामलीला ऑर्गेनाइज की गई है? हाँ, फिल्मी कलाकारों के द्वारा की जा रही है और बहुत अच्छा हमने किया जा रहा है। तो आप खुश हैं कि इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि रामलीला तो दिवाली से पहले होती है, ये दूसरी दिवाली मनाई जा रही है? हम लोगों की खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतनी ठंड में आप रामलीला देखने आई है? जी, ये प्रभु श्री राम का प्रेम है। 1000 वर्ष के लिए सतयुग आने वाला है, और आने वाला क्या है हम लोग तो अब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जो 500 साल से हमारे रामलला टेंट में बैठे थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में जो है पधारेंगे, 22 तारीख में दिव्य भव्य मंदिर में पधारेंगे। तो ये सतयुग है, सहस वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुखी दशा फिरे और स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, अब धर्म की बेल बढ़े। किस तरह सेलिब्रेट करेंगे आप, कैसे मनाएंगे 22 जनवरी को? हम इसको एकदम दिवाली के रूप में मनाएंगे, अपने घरों में दिए जलाएंगे, मतलब बहुत ऐसा लग रहा है सबसे बड़ी दिवाली हमारी। हम लोग भी डांस करेंगे। जी जी, क्यों नहीं, खूब डांस वांस होगी, दीपक जलाएंगे हम लोग, खूब गाना वाना होगा। तो अयोध्या बिल्कुल अलग सी लग रही है अब की बात? बहुत बिल्कुल अलग, तो ऐसे रही है, ऐसी सजी है जैसे मानो दुल्हन सजी हो, अयोध्या तो ऐसी सजी हुई है। द ब्यूटी ऑफ अयोध्या राइट नाउ अहेड ऑफ द Jan 22 प्राण प्रतिष्ठान इज दैट देयर आर मेनी मेनी प्रोग्राम्स गोइंग ऑन टू कीप द फर्वर हाई एंड डिवोशन इज ऑन डिस्प्ले एवरीवेयर। देयर आर बिग एंड स्मॉल प्रोग्राम्स गोइंग ऑन, फॉर एग्जांपल राइट नेक्स्ट टू वेयर आई एम वेयर द रामलीला इज गोइंग ऑन, देयर इज ऑल्सो अ लंगर दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सिख कम्युनिटी, एंड ऑन दिस रोड व्हिच लीड्स टू द राम टेंपल देयर आर मल्टीपल सच डिस्प्लेज ऑफ डिवोशन दैट आर ऑनगोइंग राइट नाउ व्हिच आर रियली क्रिएटिंग एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर इन द सिटी ऑफ अयोध्या। विद कैमरा पर्सन नितिन एंड अभिजीत, शिवानी गुप्ता, CNN News 18। Hey, buddy, buddy.